जिले में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1004 के पार पहुंच चुका है। रोजाना दर्जनों नए पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं। इन हालातों को देखते हुए जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन समिति और जनप्रतिनिधियों के अलावा हर स्तर पर रायशुमारी की जा रही है। निजी अस्पतालों के अधिग्रहण के अलावा इन्हीं अस्पतालों में लोगों को कोरोना संक्रमण का इलाज कराने की सुविधा का निर्णय लिया जा चुका है। इसके अलावा सरकारी भवनों में कोविड केयर सेंटर्स की संख्या बढ़ाई जाने लगी है, जिससे संक्रमित या संदिग्ध मरीजों का इलाज समय रहते किया जा सके। कलेक्टर का कहना है कि फुटकर कारोबारियों, हाट ठेला और रोज कमाने खाने वालों के लिए लॉकडाउन में परेशानी हो सकती है। इन सभी बिंदुओं पर भी रायशुमारी के जरिए निर्णय लिया जाएगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते जो आदेश पारित किए उसके तहत जबलपुर में शनिवार रात 7 बजे से सारे प्रतिष्ठान बंद कर दिए गए। शनिवार शाम 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू लागू कर दिया गया, जिससे शहर में सन्नाटा पसरा रहा और सारे प्रतिष्ठान बंद नजर आए और शहर में कर्फ्यू सा माहौल था। वहीं कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी होती देख जिला प्रशासन ने 2 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया। इस दौरान शहर पहले की तरह लॉकडाउन रहा। सिर्फ आवश्यक सेवा को छोड़ शहर शनिवार की रात से ही सुनसान सा हो गया था। कोरोना के खौफ के चलते इसी दौरान शहर में जनता भी कम नजर आई और वहीं पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद नजर आया। हाँ, आजकल लोग बहुत जागरूक हो गए हैं। 2 दिन से अभी पिछले संडे के मुकाबले इस संडे बहुत कम लोग दिखे हैं निकलते हुए, और जो कोरोना के रोज रोज मामले बहुत अधिक सामने आ रहे हैं उसके चलते लोग बहुत कम निकल रहे हैं और चलाने की कार्रवाई भी कम हो रही है। ज़्यादा समझाइश की आवश्यकता भी नहीं पड़ रही है। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।